शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इनवीसीएन के दर्शकों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सेवा जो है मांगी नहीं जाती, सेवा जो है प्रदान की जाती है। और आज के इस कोरोना के पार्श्वभूमि पर जो दिल से सेवा दे रहे हैं वो उनमें से डॉक्टर का नाम अग्रणी है। आज हमारे साथ में इस डॉक्टर्स डे के मौके पर मौजूद है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अविनाश कावंडे, जो कि अधीक्षक है मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो आपको डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस डॉक्टर्स डे में एक फीलिंग्स अलग होती है सर, आप दिल से लोगों की सेवा करते हैं, कैसे रहती है डॉक्टर की जीवनी लोग आम लोगों से अलग? नहीं, हम तो खुद को भाग्यवान समझते कि हमारा जीवन सफल हो गया डॉक्टर बनके, क्योंकि डॉक्टर ये ऐसी सेवा है, लोगों को समाज सेवा करना है तो उसको अपना टाइम वर्क देना पड़ता, उसको पैसे खर्चा करना पड़ता। लेकिन हमारे लाइफ में ऐसा है कि हम जो डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट में काम करने वाले या प्राइवेट में भी काम करने वाले, कोई भी अपना ये इनकम करते करते समाज सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैं मेरे भाषण में पूरे सिस्टर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, अटेंडेंस स्टाफ और डॉक्टर लोगों को वही बोलता हूँ कि आप नसीबवान हो कि आप समाज सेवा कर सकते हैं और आप इसका फायदा लेके आप समाज सेवा करना चाहिए। तो इसलिए हम, और आज आपने हमें इतना मान दिया डॉक्टर डे के दिन, हमको आप डिजर्व करते हैं सर, पूरा मेडिकल वर्क जो है इसको डिजर्व करता है। डॉक्टर साहब, एक आम जिंदगी के साथ में जब कोरोना की भूमिका आई, कोरोना की पार्श्वभूमि आई, तो लोगों की जिंदगी बदल गई और सारा जो दारोमदार है डॉक्टर्स वर्क के ऊपर में आ गया। तो कैसे आपने पूरा इसको कोप अप किया? बहुत सारी चेंजेस हुए, अगर मैं सीमित बात करूं अपने मेडिकल कॉलेज की, तो क्या क्या बदलाव हुए ताकि इस कोरोना का प्रादुर्भाव रुक सके या पेशेंट को एक अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके? आपने ये सही पूछा, कोरोना एक राष्ट्रीय नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय आपत्ति है जी। और ये अंतर्राष्ट्रीय आपत्ति जब भी आती है तब हर लेवल के जीव जंतु है उसको नुकसान पहुँचाती है। तो ऐसे इसमें डॉक्टर के साथ साथ अपन जो यहाँ के सिटीजन है, नागरिक है, वो भी उसमें उसका नुकसान हो चुका है ये। लेकिन ऐसे इसमें हर एक ने, कोई भी आपत्ति आती है तो हर एक ने एक दूसरे के प्रति एक आदर रखते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए काम किया। तो हमें ये नहीं लगता कि कोई आपत्ति अपने को, अपन उससे पार नहीं कर सकते। जैसे कोरोना है तो हमने सोचा भी हमको दो लेवल पे काम करना है जी। एक तो कोरोना में आप देखा जाए तो उसमें ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, हालांकि उसमें मृत्यु होने का प्रमाण कम है लेकिन ट्रांसमिशन लेवल ज़्यादा है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और कुछ लोग जिसमें प्रतिकार शक्ति कम है, जैसे कि बूढ़े लोग जिनको बीमारियाँ ज़्यादा है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू है, किसी को टीबी की ट्रीटमेंट शुरू है, किसी को किडनी के कारण स्टीरॉयड शुरू है, एचआईवी है, ऐसे लोग या छोटे बच्चे जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है, तो ये लोग में ये बीमारी जल्दी फैलाने की और मृत्यु पड़ने का प्रमाण ज़्यादा है। ऐसा भी नहीं कि कुछ लोगों में, यंग लोग भी इसमें बीमारी होकर मृत्यु हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका मृत्यु का प्रमाण बाकी बीमारी से बहुत कम है। सिर्फ ट्रांसमिशन रहने के कारण बहुत जल्दी इधर उधर फैलने का ज़्यादा परिणाम हो सकता है, इसलिए हर आदमी ने, हर डॉक्टर ने जागरूक रहना जरूरी है। ऐसे स्टेज में हम घर में जाते हैं तो घर में हम, क्योंकि घर में मम्मी रहती, बच्चे रहते, उनको होना नहीं चाहिए, इसलिए उनसे कैसा दूर रहना चाहिए हमको मालूम है। वो लेवल पे हमको काम करना, तो हमारा थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे भी डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, लेकिन वो उसमें हम कोप अप कर चुके हैं। साथ में हमको मेडिकल कॉलेज में काम करना है तो मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंट है, क्लास 4 है जी, नर्सिंग स्टाफ है, जूनियर डॉक्टर्स है, पूरी टीम सीनियर डॉक्टर्स है, इनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने के देने साथ इनका मानसिक और भावनिक उनको सपोर्ट देना, उनका उच्चतम स्तर पे रखना ताकि वो अच्छी अपने पेशेंट की सेवा कर सके। जैसे कि 15 दिन के लिए नर्सिंग स्टाफ और बाकी स्टाफ कोविड वार्ड में काम करता है तो उसके पहले हम ट्रेनिंग लेते हैं, एक सेशन लेते हैं जी। वो सेशन होने के बाद जैसे वो 15 दिन की ड्यूटी खत्म होती है, वो हमको मिल के, सर धन्यवाद, हमारे अधिष्ठाता डॉक्टर मित्रा सर है, उनको उनका ये है, तो हम मार्गदर्शन भी उनका, हमको धन्यवाद देते हैं। वो बोलते हैं कि सर आपने जो हमको पहले समझाया, हमको तो काफ़ी डर था लेकिन ये डर हमारा निकल गया और हमने 15 दिन अच्छे से निकल गए। तो ये सब ऐसे लेवल पे काम करते हुए आज अपन नागपुर अच्छे स्टेज पे है, अपन ऐसा ही इसके साथ, लेकिन ये बीमारी अभी एक प्लेटू स्टेज पे है, एक स्टेज आ चुकी है,
तो ऐसे इसमें अपने ऐसा रहना, ये कभी भी ऊपर जा सकता है, तो ऐसे रहना है तो हर नागरिक को तीन चीज़ें रखना जरूरी, ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज़ करना और हैंड हाइजीन। ये तीन चीज़ें यूज़ किए तो ये बीमारी अपन अच्छे से कंट्रोल में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, पेशेंट और डॉक्टर का जो नाता होता है वो एक, उसमें एक बहुत ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, और ख़ास करके इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहां आपने कई सारे कोविड पेशेंट्स को भी देखा होगा, नज़दीक से देखा होगा, तो आपने कैसे उनकी मानसिकता को संभालने के लिए कोशिश किया, क्या उनकी मानसिकता रही है? क्योंकि अपने नागपुर में इसका रेट सबसे अच्छा है, इसका रीज़न है कि जैसे पॉजिटिव पेशेंट भी आते हैं तो पॉजिटिव पेशेंट को भी मेडिकल कॉलेज में रखते हैं, और वो पॉजिटिव पेशेंट असिम्प्टोमेटिक, मोस्ट ऑफ द पेशेंट असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जिसको कुछ सिम्टम्स नहीं रहेंगे, और सिम्टम नहीं रहते तो उनको एक जगह पे रखना वो बहुत डिफिकल्ट काम है। सिम्टम रहता है कुछ, उसको सर्दी खांसी बुखार है तो एक बेड पे अच्छे से रहेंगे और जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे वो काम आपके सुनने के लायक रहते हैं, लेकिन जिसको सिम्टम ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव हो, तो ऐसे पेशेंट को आप एक हॉस्पिटल में एक रूम में रखना वो डिफिकल्ट है। तो ये हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत ट्रेन स्टाफ है, उन्होंने आप अपने आइडियाज़ कर रखे। अभी कुछ आइडियाज़ ऐसे है कि सुबह शाम होंगे हम कामयाब, ऐसे टाइप के प्रेयर दिन में दो बार लेते हैं, तो सो दैट वो लोग उसके प्रेयर के कारण वो खुद उनका मनोबल अच्छा रहता है, उनके दिन निकल जाते हैं, और पेशेंट वैसे भी उन, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि उसकी रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहना चाहिए, तो उसके लिए उनकी नींद अच्छी होना चाहिए, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, हो सके तो योगासन एक्सरसाइज ये होना चाहिए, डाइट अच्छा चाहिए, और ये होने के बाद पेशेंट जल्दी क्योर हो सकते। तो ऐसे हम अलग अलग, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, नर्सिंग स्टाफ है, हमारे स्वीपर अटेंडेंट है, यहाँ का डॉक्टर स्टाफ है, रेसिडेंट जो जूनियर डॉक्टर जो 24 घंटे वहाँ पे, एक बहुत ही पॉजिटिव और सक्षम टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कहते हैं मेडिकल प्रोफेशन में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आज की स्थिति में हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन हमने लेने चाहिए? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट एक तो आपने ये बीमारी समझ लेना जरूरी है जी। वो समझने के लिए समझने के साथ साथ तीन चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये अभी नहीं, एक साल नहीं, दो साल के लिए आगे भी अपने पर्सनैलिटी में आना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ज़्यादा प्रोग्राम नहीं करना, और दूसरी बात जहाँ भीड़ रहती है वहाँ कम जाना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए, और उसके साथ हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन, हाथ कहीं टच होना नहीं चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो टच होते हैं तो फिर सोप और पानी से हाथ धोना, सैनिटाइजर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाथ धोना, वो नहीं अवेलेबल है तो सैनिटाइजर यूज़ कर सकते, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हाथ धोना। इसके साथ ही आपका डाइट पैटर्न अच्छा चाहिए, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए खाना बैलेंस डाइट चाहिए, नींद अच्छी होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, एक्सरसाइज, योगासन, मेडिटेशन, ये चीज़ें करते हैं तो मैं ऐसा लगता है कि कोरोना अपने इंडिया के लिए डिफिकल्ट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अविनाश गावंडे, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि डॉक्टर्स की जीवनी क्या होती है, और जैसे कि हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं तो कोविड-19 से जूझने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डॉक्टर डे के अवसर पर इस तरह की बातचीत मुझे लगता है सभी दर्शकों के लिए बेहद कारगर सिद्ध होगी। मैं डॉक्टर साहब का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से बात की। फिर से एक बार आपको और आपकी टीम को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं सर। धन्यवाद और नमस्ते।